29 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है संजू वन मैन मैनी लाइव्स। अब इसके कुछ ही दिन बचे हैं दोस्तों और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ गई है मेरे अंदर। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि राहुल भाई आप इस फिल्म के लिए क्यों एक्साइटेड हैं, तो मेरे पास जो रीज़न है वो दो मेन रीजंस हैं। पहला मेन रीज़न कि संजू बाबा की जीवनी पर आधारित है ये फिल्म और मैं संजू बाबा का बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ। संजय दत्त मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली मतलब फिज़िकल ट्रेनिंग के हिसाब से संजू बाबा सबसे आगे रहते हैं मेरे दिमाग में दोस्तों। फिर उसके बाद मैं जो पर्सनली इस फिल्म के लिए वेट कर रहा हूँ दोस्तों, राजकुमार हिरानी साहब के लिए वेट कर रहा हूँ। राजकुमार हिरानी साहब की जो फिल्में होती हैं वो परफेक्ट तरीके से हमारी नर्व्स को पकड़ती हैं, हमें फिल्म्स जो हैं हंसाते हंसाते रुलाती हैं और रुलाते रुलाते हंसाती भी हैं। पास में उनका इनक्रेडिबल वर्क देख लीजिए, बॉडी ऑफ वर्क जैसे थ्री इडियट्स, पी के, मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, तो इन फिल्म्स ने हमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फन दिया है, इमोशंस दिए हैं एंड मैं फिर से उन इमोशंस को फील करना चाहता हूँ, इसलिए मैं फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड इसमें एक जो चेरी ऑन द केक होता है ना कि एक रीज़न है रणबीर कपूर, रणबीर कपूर ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और वो देख कर लग रहा है। लेट्स फाइंड आउट कि रणबीर कपूर ने कितनी मेहनत करी है। वेल, जहाँ पर फिल्म बनकर तैयार हो चुकी है दोस्तों, वहाँ पर इसकी स्क्रीनिंग होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज है 27 जून और इसकी स्क्रीनिंग होने वाली है विधु विनोद चोपड़ा जी के ऑफिस में, जहाँ पर संजू दिखाई जाएगी, जहाँ पर रियल लाइफ के संजू ने रियल लाइफ के संजू और उनकी फैमिली को इनवाइट किया है फिल्म देखने के लिए। जी हाँ, इस बात पर ऑफिशियल कंफर्मेशन दी है संजय दत्त जी ने और संजय दत्त जी ने लिखा है, बताया है हम लोगों को कि इट विल बी अ सुरियल फीलिंग टू वॉच माय लाइफ अनफोल्ड ऑन द बिग स्क्रीन। आई एम एक्साइटेड फॉर राजू हिरानी एंड हिज टीम। आई नो द हार्ड वर्क दे हैव पुट इनटू मेकिंग दिस फिल्म। भाई संजय दत्त जी ने तो हरी झंडी दे दी है। संजय दत्त जी ने इनफैक्ट ट्रेलर से पहले आपने देखा होगा संजय दत्त जी ने एक वीडियो बनाई थी और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बट नर्वस भी थे कि कैसा होगा रिस्पांस। साथ ही साथ उनके मन में एक दुविधा भी थी, कहीं मुन्ना भाई 3 में रणबीर कपूर तो नहीं आ जाएगा बॉस। वेल, फिल्म को लेकर सब जगह एक्साइटमेंट है। बुक माई शो में दोस्तों भारी भरकम तरीके से टिकट्स बुक हो चुके हैं। मॉर्निंग शोज जो हैं वो लगभग हाउसफुल होने वाले हैं। वेल, मॉर्निंग शो की ऑक्यूपेंसी जानना है आपको तो आपको 29 जून का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आपका फिल्मी आ रहा मॉर्निंग शो देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टिकट्स मैंने बुक करा ली है, लेकिन संजय दत्त जी फिल्म देखने वाले हैं मान्यता दत्त के साथ, अपनी दोनों बहनों के साथ और अपने बच्चे के साथ भी। हाँ ठीक है, तो एक्साइटेड हैं। लेट्स सी संजू बाबा क्या रिएक्शन देते हैं। आज जब सेलिब्रिटी स्क्रीनिंग होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि संजय दत्त साहब ने क्या रिस्पांस दिया, क्या रिएक्शन दिया। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं इतना पक्के दावे के साथ कह सकता हूँ कि संजय दत्त बाबा जो है हमारे वो खुश हो जाएंगे और पूरी टीम को, राजकुमार हिरानी साहब से लेकर रणबीर कपूर से लेकर सबको जादू की झप्पी देंगे मामू। आप मुझे बताइए दोस्तों आपको क्या है कहना, कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रेज है। आप अगर संजू देखने जा रहे हैं तो आपका रीज़न क्या है। मैंने अपने जो रीजंस हैं वो बता दिए हैं, आप अपने रीजंस कमेंट सेक्शन में अपने इस फिल्मी आरा को ज़रूर बताना है। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाता रहूँगा मैं एक्सक्लूसिव तरीके से आप लोगों के लिए। जादू की झप्पी दो ना बॉस।